कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार बनाई है, वहां के मुख्यमंत्री, उस मुख्यमंत्री के पिताजी कभी प्रधानमंत्री हुआ करते थे देश के, देवगौड़ा जी, जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे उनका बेटा जो मुख्यमंत्री है, उसने क्या बयान दिया। और मैं हैरान हूं, टीवी वाले चर्चा नहीं कर रहे हैं, अखबार वाले छाप नहीं रहे हैं, कांग्रेस वाले मुंह नहीं खोल रहे हैं, मैं हैरान हूं। उन्होंने क्या कहा, मेरे झारखंड के भाइयों बहनों, आप जीवन भर इस कांग्रेस का मुंह तक नहीं देखोगे, ऐसी बात वो मुख्यमंत्री बोले हैं। उनका कहना है, ये उनके शब्द हैं, उनका कहना है फौज में तो वो ही नौजवान जाते हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, जिन्हें अपने भूख मिटानी होती है, पेट भरना होता है, इसलिए वो सेना में जाता है। डूब मरो, डूब मरो, ऐसी सोच रखने वाले डूब मरो। क्या मेरे देश का आदिवासी, मेरे देश का गरीब अपने बच्चों को इसलिए सेना में, सुरक्षा बल में शामिल होने के लिए भेजता है? क्या इसलिए कि वो भिखारी है? क्या इसलिए कि उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है? ये कौन सी भाषा बोली जा रही है? क्या देश के लिए मर मिटने वाले मेरे वीर बच्चे इसलिए सेना में जाते हैं? क्या पुलवामा में जो शहीद हुए झारखंड के वीर सपूत विजय सोरेंग इसलिए अपना परिवार छोड़कर गए थे कि उन्हें दो वक्त का खाना नहीं मिलता था? क्या भाषा बोल रहे हो? क्यों शहीदों का पान करते हो? क्यों देश की सेना को डिमोरलाइज करते हो? कांग्रेस और उसके साथियों, मेरे देश का वीर सपूत दुश्मन को गोली मारने और जरूरत पड़े तो सीना आगे करके गोली खाने के लिए घर से मां के पैर छू करके निकलता है। उसकी भावनाओं का इतना बड़ा अपमान, भाइयों और बहनों, देश के वीरों को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस के इस रवैये ने भारत का बहुत नुकसान किया है। कांग्रेस के इसी रवैये की वजह से जब जब वो सरकार में आती है, वैसे ही हिंसा फैलाने वालों, आतंकवादियों और नक्सलियों का हौसला बढ़ जाता है।